हेलो गाइस, मेरा नाम है भगवान चौधरी और आज की जो मेरी वीडियो है एक स्किन व्हाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग क्रीम पर है जो कि यूट्यूब पर काफी ट्रेंडिंग में चल रही है। दोस्तों इस क्रीम का नाम है फेस ग्लो क्रीम। दोस्तों इस पर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है और उन वीडियोस में ये बताया जा रहा है कि अगर आप इस क्रीम को यूज करते हो 7 से 10 दिन तो ये आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। और ये क्रीम स्पेशली फॉर मर्दों के लिए, मतलब कि मेंस के लिए इस क्रीम को डिजाइन किया गया है। और अगर आपके फेस पर डार्क स्पॉट है, हाइपर पिगमेंटेशन है, या फिर मलेजमा है, या फिर एक्ने पिंपल्स है, या फिर एक्ने पिंपल्स के स्कार्स है, उन सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को क्लीन एंड क्लियर बनाता है। तो गाइस एक्चुअल में इस क्रीम की क्या है सच्चाई, क्या है हमारी स्किन के लिए सेफ है? अगर सेफ है तो कैसे यूज करना होता है, कौन सा टाइम यूज करने का सही रहेगा, अगर इस क्रीम को नाइट में यूज करना है तो डे में क्या यूज करना है, इसके यूज करने के साथ आपको कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो गाइस अगर आप अपनी स्किन के टेक्सचर को इंप्रूव करना चाहते हो या फिर आप फेस ग्लो क्रीम को यूज करना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए, आज की वीडियो आपको पूरे एंड तक देखनी। अगर आपको वीडियो लगे थोड़ी बहुत भी अच्छी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और गाइस अगर आप और भी हमें कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है smileyteam07। तो गाइस अब आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो के टॉपिक पर, तो गाइस सबसे पहले हम जानेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो गाइस जो फेस ग्लो क्रीम है वो स्पेशली फॉर डीप पिगमेंटेशन के लिए बनाई गई, मतलब कि जो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है या फिर हाइपर पिगमेंटेशन, मलेजमा या फिर एक्ने पिंपल्स के स्कार्स, उसको कम करने के लिए और आपकी स्किन को एक लाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूँ तो इसमें एजेलिक एसिड, नाइजनामाइन, ग्लेजरिन, ग्लाइकोलिक एसिड एंड अल्फा अर्ब्यूटिन यूज में लिया गया है जो कि हमारी स्किन के लिए 100% सेफ है। अगर मैं कंपनी के क्लेम्स के बारे में बात करूं तो कंपनी यहाँ पर ये क्लेम करती है कि ये आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, साथ ही साथ अगर आपके फेस पर एक्ने पिंपल्स के स्कार्स है, हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, या फिर मलेजमा की प्रॉब्लम है, या फिर एक्ने पिंपल्स के स्कार्स की प्रॉब्लम है, तो उन सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करेगा और आपकी स्किन को एक ब्राइटनिंग लुक देगा। देखो गाइस मेरा एक्सपीरियंस जानो, ये एक प्रकार की मेडिकेटेड क्रीम है और मेडिकेटेड क्रीम में आपको गारंटी देता हूँ कि ये आपकी स्किन के टेक्सचर को तो जरूर इंप्रूवमेंट करेगी, लेकिन आपको इसको लगभग 1 से 2 महीना यूज करने का करना पड़ेगा कंटिन्यू, और आपको इसको ओनली फॉर नाइट में यूज करना है। डे में आपको लैग्लो MF10 मॉइस्चराइजिंग क्रीम और इसके साथ SPF 50 वाली सनस्क्रीन आपको रेगुलर यूज करनी पड़ेगी। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस क्रीम को रेगुलर 1 से 2 महीना यूज करोगे तो आपको इसका रिजल्ट धीरे धीरे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपके पिगमेंटेशन है या फिर डार्क स्पॉट है या फिर आपका स्किन जो डार्क हो रहा है उसको लाइट जरूर ये कर देगा। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो इसकी प्राइस 15 ग्राम का जो प्रोडक्ट था उसकी प्राइस 350 रुपीज है, जो कि इजिली आपको मेडिकल शॉप और ऑनलाइन अवेलेबल। अगर आप ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो मेरी दी हुई डिस्क्रिप्शन लिंक से आप परचेस कर सकते हो, वहां से इजिली आपको 10 से 20% का डिस्काउंट इजिली वहां से मिल जाएगा।